दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब आज मैं अपनी लोकेशन से 50 से 60 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो वहाँ पे एक हमारे भाई साहब हैं, तो उनके पास करीब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो 12 गाड़ियों जीपीएस टोटल इंस्टॉलेशन होना है अभी, और एक दो गाड़ियों में उनका पहले से किसी कंपनी का जीपीएस लगा हुआ है तो उसको भी चालू करना, बट वो बंद पड़ा हुआ है तो काफ़ी समय से। देखते हैं कौन सी कंपनी की डिवाइस लगी हुई है, क्या वो डिवाइस हमारे सर्वर पर चलेगी, क्या वो डिवाइस नहीं चलेगी, और कुछ जो लोडिंग वाली गाड़ियां हैं, जो ट्रक बोलते हैं, ट्रक हैं कुछ जो गिट्टी मोरम मिलाने के कंटेनर होते हैं, कंटेनर हैं, एक दो बोलेरो हैं पर्सनली गाड़ी, तो उनकी कुछ गाड़ियां अभी काफ़ी दूर है लोकेशन से, तो वो भी आ रही हैं यहीं पे। तो ये भाई साहब का जो यहाँ पे है, ये है उनका गैराज टाइप का बना हुआ है, काफ़ी बड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस गाड़ी में भाई साहब का पहले से जीपीएस लगा हुआ है, क्या वो जीपीएस हमारे सर्वर पे चलेगा, कौन सी डिवाइस लगी हुई है, डिवाइस सही है या ख़राब है प्रेजेंट टाइम में, तो वो चीज़ देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी में सबसे पहले जीपीएस इंस्टॉलेशन करेंगे हम, क्या वो डिवाइस हमारे सर्वर पे चलेगी या नहीं चलेगी, तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सीधा चलते हैं, मिलते हैं गाड़ी के पास अब। दोस्तों सबसे पहले ये गाड़ी है, ये 10 चक्का डंफर है, इसमें देखते हैं कौन सी डिवाइस लगी हुई है, किस कंपनी की लगी हुई है, देखते हैं क्या वो चल पाती है, सही है क्योंकि काफ़ी समय से लगी हुई है, अगर चलेगी तो चला देंगे। बाकी जो बगल में गाड़ी खड़ी है उसमें नए लगने हैं, गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हैं। दोस्तों अभी प्रोसेस हो रहा है कि डिवाइस को ढूंढ रहे हैं कि डिवाइस में कहाँ पे लगी हुई है, तो दोस्तों डिवाइस मिल चुकी है हमें, तो जैसे कि हमारे टेक्नीशियन ने बताया कि डिवाइस मॉडल ET300 है, हम इसको अपने सर्वर पे चला लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर काम होने के बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में।